आपने अभी 3 दिन पहले ही बात की थी कि किस तरीके से एक एक करके सारे बैंक डूबेंगे, अभी नहीं तो थोड़ा समय बाद डूबेंगे और आपका जो पैसा उनमें जमा है वो खतरे में है, आपको समय रहते इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये उसमें भी बताया था, समाधान इस वीडियो की आखिर में ज़रूर बताऊंगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ लोगों को उस वीडियो में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज एक रिपोर्ट का भी हवाला दूंगा कि कैसे एक रिपोर्ट आई है और उसने ये तय कर दिया है कि जो हमने कहा था वो अब सच होने वाला है और आपको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। कुछ लोग इस भ्रम में भी हैं कि अगर मंदी आई भी तो भारत में नहीं आएगी, आएगी तो भारत पर इसका असर नहीं होगा, तो वो भ्रम भी आज आपका टूटने वाला है जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। वैली बैंक और क्रेडिट स्विस और यूरोप के जो बैंक है वो डूबने के बाद अब इतना तो तय हो गया है कि ये मंदी की सुरसुराहट है, मंदी की शुरुआत कहीं ना कहीं से हो रही है। अगर आपको इससे भी विश्वास नहीं हो रहा तो लगातार जो नौकरियां जा रही हैं टेक कंपनियों से वो भी इसको सर्टिफाई करती हैं, प्रमाणित करती हैं कि मंदी आ रही है और यह आपको चेतावनी दे रही है। अब क्रेडिट स्विस बैंक के डूबने के बाद अब ये दिखावा किया जा रहा है कि हम मंदी को रोकने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कि जैसे स्विट्जरलैंड के UBS ने अब क्रेडिट स्विस बैंक को $3.2 बिलियन में खरीद लिया है। अब जैसे ये खबर बाहर आई तो क्रेडिट स्विस के शेयर तो चढ़ने लग गए, लेकिन स्विट्जरलैंड के UBS के शेयर 4% तक गिरे। यही नहीं, क्रेडिट स्विस बैंक में सऊदी नेशनल बैंक ने $1 बिलियन का नुकसान अपना करवाया जैसे ही वो बैंक क्रैश हुआ। यही नहीं, जो लोग कहते हैं कि भारत में इसका कोई असर नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के भी 20,000 करोड़ रुपए क्रेडिट स्विस बैंक में इन्वेस्टेड थे, तो वो नुकसान भी भारत का ही है। लेकिन इसके अलावा मैं अब जो रिपोर्ट आई है वो लगभग ये तय कर देती है कि आपको अब कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मंदी आ गई है। हुआ ये है कि मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक जो फेडरल इंटरेस्ट रेट है वो 0.08 से लेकर 4.52 तक बढ़ चुका है, मतलब 4.5% तक जो इंटरेस्ट रेट है वो जा चुका है। अब इससे हुआ क्या है, इससे ये हुआ है कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, उन्होंने अपना पैसा लोन के रूप में या बॉन्ड खरीदने के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में दिया हुआ है, और जैसे ही इन जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ी है तो पैसे का फ्लो कम हो गया और लोगों को अपने पैसे की जरूरत है। जब वो बैंकों में पैसा निकलवाने के लिए जा रहे हैं तो बैंक कुछ लोगों को तो पैसा दे देता है, लेकिन पूरी दुनिया में सभी बैंकों का एक ही सिस्टम है, वो अपने पैसे को जो उनके पास जो पैसा आप जमा करते हैं उस पैसे को इन्वेस्ट करता है बॉन्ड के रूप में, स्टॉक मार्केट में या कहीं भी। तो कुछ लोगों को तो बैंक पैसा दे सकता है, लेकिन जब सभी लोग अपना पैसा निकलवाने के लिए जाते हैं तो वो बैंक कंगाल घोषित हो जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा होता नहीं और बैंक सीधे तौर पर मना कर देता है कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। इससे बैंक का वही हाल होता है जो क्रेडिट स्विस बैंक का हुआ या फिर सिलिकॉन वैली बैंक का हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक 2 दिन के अंदर क्रैश हो गया, कोलैप्स हो गया। सिलिकॉन वैली बैंक कोई छोटा बैंक नहीं है, इसमें अरबों डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट होती है और स्टार्टअप्स की भी इन्वेस्टमेंट इसमें थी, तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े बैंक का सिर्फ 2 दिन में कोलैप्स होना कितनी बड़ी बात होती है। अब जो हालात सिलिकॉन वैली बैंक के थे, मतलब लोग अपना पैसा लेने पहुंचे तो उसने कहा हमारे पास पैसा अभी नहीं, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। यही हालात अमेरिका के 186 बैंकों के हैं, 186 बैंक्स के यही हालात हैं, उनके पास पैसा नहीं है लोगों को देने के लिए। अगर कभी भी लोग बैंक में जाते हैं और ये कहते हैं हमें हमारा जमा किया हुआ पैसा वापस चाहिए, तो बैंक अपने हाथ खड़े कर देगा और अगले दिन आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में और अपने अखबारों में खबर मिलेगी कि सिलिकॉन वैली बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक की तरह ये बैंक भी अब दिवालिया घोषित हो गया। एक दो नहीं, मैं 186 बैंकों की बात कर रहा हूँ सिर्फ अमेरिका जैसे देश में। और क्या सिर्फ ये अमेरिका तक सीमित है, पूरी दुनिया में बैंकों का सिर्फ एक ही तरीके का सिस्टम चलता है जो मैंने आपको बताया, कि जितना बैंकों में पैसा जमा होता है वो पैसा कभी भी बैंक के पास नहीं होता, या तो उसने लोन दिया होता है जिससे वो इंटरेस्ट कमाता है या फिर इन्वेस्ट किया होता है जिससे वो पैसे कमाता है। तो भारत के बैंकों में भी यही सिस्टम है,
हालांकि सरकार ये कहती है कि हम अच्छे स्थिति में हैं, लेकिन सिस्टम तो आपका भी वही है जिस पर पूरी दुनिया के बैंक चल रहे हैं, उसी पर आपके बैंक चल रहे हैं। तो जो हालात अभी दूसरे देशों में है, क्या वो भारत के बैंकों में नहीं होंगे? अभी इसमें बड़ी समस्या आती है कि अब क्या किया जाए और समाधान क्या है, क्योंकि मंदी तय है, नौकरियां जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, बैंक कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। तो इसमें एक दो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आम आदमी, मैं हूं, आप है, और कैसे कोई भी आदमी हो, उसका एक बैंक अकाउंट होता है जो अपने बैंक में पैसे जमा पूंजी जरूर रखता है। भारत सरकार 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी आपको देती है। तो अगर आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो 5 लाख रुपए तक ही जमा कीजिए, क्योंकि उससे ऊपर अगर आप जमा करते हैं और अगर बैंक कल को कोलैप्स होते हैं या कोई भी समस्या आती है तो सरकार इसकी जिम्मेवारी नहीं लेती। तो पहला समाधान तो यही हुआ कि अगर बैंकों में पैसा है तो आप उस पैसे को 5 लाख से ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि अगर 5 लाख तक है तो भारत सरकार उसकी सिक्योरिटी देती है और वो पैसा आप एक तरीके से मान सकते हैं कि वो सुरक्षित है कल को अगर बैंक कोलैप्स हो जाता है, बंद हो जाता है। दूसरी चीज, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, DSIBs, ये ऐसे बैंक होते हैं जिन पर भारत सरकार ये कहती है कि इन बैंकों को जो है हम डूबने नहीं देंगे, या इन पर हमारी एक ऐसी नजर रहेगी कि इन बैंकों में अगर कुछ भी होता है तो उसकी सीधी रिपोर्ट हम भारत सरकार तक जो है हमारे तक पहुंचेगी। तो भारत सरकार इन्हें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट बैंक मानती है, जरूरी बैंक मानती है, जैसे कि SBI। SBI पर सरकार की पूरी नजर रहती है और वो इसे कभी भी डूबने नहीं देगी, चाहे उसे लिक्विडिटी फ्लो करके, मतलब इसे पैसा देकर ही क्यों ना बचाना पड़े, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी बैंक होते हैं। अब जैसे अगर हम 2022-23 की लिस्ट निकालें तो सरकार ने ये कहा है कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में SBI आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूबा तो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और भारत सरकार खतरे में आ सकती है। तो इसीलिए अगर आपको पैसे अपने जमा करने ही हैं तो आप इन बैंकों में जमा कीजिए जिसे भारत सरकार ये मानती है कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी बैंक है, क्योंकि इन्हें कम से कम सरकार डूबने नहीं देगी और बैंकों में के मुकाबले। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप और बैंकों की बजाय अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना पैसा जमा करते हैं तो आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि सरकार खुद उसे मॉनिटर कर रही है। तीसरी चीज, इन चीजों पर कभी भी सरकार अपना डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है, हो सकता है कि ये पैसा आपका रुक भी जाए। अगर आप अपने पास फिजिकली कुछ कैश रख सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, या सोने के रूप में कुछ इन्वेस्टमेंट जो बचत कर सकते हैं उस रूप में अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो यकीन मानिए उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। जो आपके हाथ में है, जो आपकी जेब में है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और ये तो पहले भी था, अब भी है और आगे भी, ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रुथ ही रहेगी कि जो आपके हाथ में है वही आपका है, वरना सब कुछ तो डिजिटल है ही, उसे कभी भी बंद, कभी भी जो है ओपन किया जा सकता है, कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है, कभी भी आपसे छीना जा सकता है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि बचत आपके पास फिजिकली हो तो आने वाली समस्याओं को आप बहुत आसानी से झेल सकते हैं। ये वो समाधान है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और आपको इन आने वाली बड़ी मुश्किलों से, जैसे मंदी है, महंगाई है, इस समय को निकालने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। जैसे कि 5 लाख रुपए तक ही बैंक में रखना, दूसरा डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में ही आप अपना पैसा रखिए, तीसरा फिजिकल फॉर्म में या सोने के रूप में आप अपनी बचत पूंजी को रख सकते हैं, ताकि आने वाली समस्याओं को आप अच्छे से झेल पाए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।